हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को पेंसिल के फूलों से गुलदस्ता बनाना बताती हूँ। और सबसे पहले मैं आपको पेंसिल के फूल बनाना बताती हूँ। इस तरह से हमें एक पेंसिल लेनी है, इस तरह से। इस तरह से हमें इस पर लपेटते रहना है। इस तरह से लपेट कर और इसे यहाँ से इसमें डालकर नीचे वाले धागे में इसे निकाल लेना है। इस तरह से अब ये वाला धागा हम इसे धीरे धीरे खींच लेंगे। ये वाला छोटा वाला धागा पकड़ के और धीरे धीरे से ये खींच लेना है। इसे हम टाइट कर लेंगे। इस तरह से। और हम फिर पूरा खींचने के बाद, पूरा टाइट करने के बाद यहाँ पे फंदा लगा लेंगे। इस तरह से फूल बनाना है ये, और फिर इसे कट कर लेंगे। इसी तरह से मैंने ये कई कलर के फूल बनाए हैं। मैंने स्टैंड लिया है, ये बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। इसे घर पे बना सकते हैं। अब हमें ये, मैंने ग्रीन कलर की ऊन ली है और इसके ऊपर लपेटनी है यहाँ से। इस तरह से मैं इस पर ऊन लपेटी है। मैंने प्लास्टिक ली है, इसमें से इतने 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 लंबाई के टुकड़े काट लेने हैं। इतना इतना भाग काट लेना है इसका, इस तरह से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैंने इस तरह प्लास्टिक काट लिए और मैंने ये कुछ फूल लिए हैं। ये पत्ती ली है मैंने कुछ, इस तरह से इसे ऊपर से मोड़ कर इसमें डालना है। आप फेविकोल से चिपका सकते हैं, मैंने ये। और ये फूल इस तरह से चिपका लेने हैं। ये सुई से भी सिले जा सकते हैं।
मैंने इसी तरह से ये चिपका ली है। मैंने जो स्टैंड पर ऊन लपेटी है इस तरह से इसे लगा कर और इसे भी लपेटना है। इसी तरह से लपेट लेना है। इस तरह से लगा ये पत्तियाँ लगा कर इसी तरह से ये पत्ती लपेट लेनी है। इसी तरह से हमने ये पूरी पत्ती लपेट ली है इस पर। मैंने यहाँ पर ये एक फूल चिपका दिया ऊपर। हमारा गुलदस्ता बनके तैयार हो गया है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है।